सबसे पहले मेरे फेसबुक और यूट्यूब आईडी के साथ जुड़े सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आज आपके सामने में आपको रियाज की कुछ बातें बताने जा रहा हूं, जैसे हम गले में कैसे रियाज करें या उसके मुर्गियाँ हरकतें मीठ स्वर कण स्वर हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो लेसन बाय लेसन मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये सब बातें आपको देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं सबसे पहले चैप्टर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम रियाज कैसे कर सकते हैं। गले में खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं, और जैसे हम मैं हाफ नोट की बात बताता हूँ कि हाफ नोट को कैसे यूज कर सकते हैं। हाफ नोट मीन्स जैसे एक पूरे स्वर के साथ आधा स्वर यूज करना, एक पूरे स्वर के, जैसे मैंने आप अभी आपको बोल के दिखा रहा हूँ, जैसे हम सा बोलते हैं ओनली सा, ये तो सीधा सा हो गया ये, लेकिन इसके साथ में हमने आधा स्वर यूज करना है। जैसे हमने इसके आधा स्वर कौन सा यूज करना है, जैसे हमने रे रे कोमल इसके साथ यूज करना है, तो हम हाफ नोट हाफ उसका टच देंगे, तो कैसे देंगे सा, ये देखो सा, तो हमने उसको टच किया है, ओनली टच किया है, ये इसको बोलते थे मीठ स्वर कण स्वर हमने यूज किया सा। बढ़िया लगने लगे, एक सिंपल सा हम बोल रहे थे सा, लेकिन हम हाफ नोट के नोट के साथ बोले कैसे आ, हम जिस स्वर पर ठहरेंगे उस स्वर पर हम इसको टच दे देंगे। जैसे हम मैं आपको रात अगील बैरव बोल के दिखा रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से सुनना कैसे हम उसको ऐसे नोट दे सकते हैं सा। अब रे के साथ मैंने सा का टच दे दिया, रे सा, सा के साथ रे का और रे के साथ सा का सा रे सा। अब गा के साथ गा, गा के साथ मा का गा, मा, मा के साथ पा का पा, मा पा, आते हैं वापस आ रहे हैं तो उसके साथ और गले में एक और मैं आपको छोटा सा बताऊंगा कि जब भी रियाज करना है हमें तो मुंह को पूरा खोल के रियाज कर रहे हैं, बंद करके रियाज नहीं। जैसे सुनिए, ध्यान से बजाइएगा, गौर कीजिएगा, और दोबारा से फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नेक्स्ट लेसन को नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, गुरविंदर साईं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए।